नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर आज मौजूद हैं कोपागंज थाना परिषद पे। आप बता रहे हैं कि यही रोड जो है सीधे जो है छठ घाट पे जाता है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पहले आइए हम जाने की कोशिश करते हैं छठ माता का जो है यहाँ पे पोखरा पे जो है साफ सफाई का व्यवस्था, लोग जगह जगह जो है टी स्टॉल लगाए हैं, जगह जगह जो पंडाल लगाए हैं। पहले आइए हमारे साथ जुड़े हुए कोपागंज के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सच्चे परिचय दीजिए। पहले जय श्री राम, जय छठी मैया। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी से 2017 में महिला सीट थी, माता जी चुनाव लड़ी थी। है कि चुनाव का माहौल भी अलग अलग है, मगर पहले तो हम छठ माता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो छठ माता का जो आप पानी देख रहे हैं, ये जितना गंदा पानी गिर रहा है, चाहे पैखाने का चाहे पेशाब खाने का, नगर के जितनी गंदगी पानी उसमें जा रही है, इसके पहले भी 15 साल चेयरमैन साहब से उसके पहले भी थे और उसके पिछले भी थे, यहाँ आज तक हिंदू कोई चेयरमैन नहीं बना है। और जब तक यहाँ हिंदू समाज का कोई नेतृत्व तो करने वाला नहीं मिलेगा, छठ घाट देख लीजिए, जितना सम्मे माता देख लीजिए, या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल जाके देखिए, सब जबरदस्ती विवाद दिखाया गया। हमारा अगर नेतृत्व तो अगर यहाँ समाज ने हमको अगर हमारे ऊपर विश्वास दिलाया तो मैं शपथ लेने से पहले अमृत सरोवर की तरह माँ छठ का जो है निर्माण कराऊंगा। इसके पहले हिलाल अहमद अंसारी ने पहले चुनाव में कहा था कि छठ का घाट बनाया जाएगा, जो बिल्कुल नगण्य साबित हुआ। जिनको माता से कोई प्रेम नहीं, जिनको इस धर्म से प्रेम नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोगंडा है, राजनीतिक ड्रामा है, 4 साल कोई दिखेगा नहीं। फिर अभी देखा जा रहा है कि यही नगर पंचायत में लोगों को साग दाह संस्कार के लिए गाड़ी भी आई थी और लोगों को जो है स्वास्थ्य के लिए जो है गाड़ियां भी जो लगी थी, जो एम्बुलेंस जो है आया था, आखिर में जो गाड़ी एम्बुलेंस और जो है दाह संस्कार की गाड़ी लुप्त हो गई और लोग को जो है फिर देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो नए उम्मीदवार जो आए हैं लोगों को तरह तरह के लाली पाव दिखा रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि मैं कटिया या लाइन टूट जाता है लाइन बनवा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको बनवाता हूँ, मगर क्या है लोगों को ब्लड देने के बात करते हैं, क्या ये क्या मामला है? ये सबका अलग अलग अपना वो प्रोपेगेंडा है, राग है। मैं ये जानता हूँ कि जितना भी अब तक टाउन एरिया हुआ, अब तक कोई हिंदू चेयरमैन नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ के हिंदू जनता सिर्फ छली जा रही है, जबकि यहाँ का हिंदू जनता निर्णायक है। ये हिंदू जनता यहाँ का निर्णायक, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कोई 25 साल राज करे, कोई 20 साल राज करे, यहाँ हिंदू जनता सिर्फ वोट देने के लिए बनी है, वोट देने के लिए बनी है। एक बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी भी बहुत तमन्ना है, हमारी भी बहुत सोच है। आप देखे होंगे कि छठ घाट में गंदे पानी में हमारी माँ बहन जा रही हैं, जो जिनकी माँ बहनों से छठ का कोई मतलब ही नहीं है, वो छठ में घूम के क्या बताना चाहते हैं? अगर इतना ही रहता तो पहले गंदगी वाली पानी रोके होते हैं वर्तमान चेयरमैन, उसके बाद बताए होते। अब तक का सबसे खराब सफाई और सबसे खराब स्थिति, यहाँ का हिंदू का बजट जाके देखिए, हिकमा बगाड़ा में कितना काम हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ, रजपुरा में कितना काम हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ, जयरामगढ़ चट्टी में कितना काम हुआ है, कोपा कोहना में कितना काम हुआ है, कोपा कोहना में कितना काम हुआ। मैं अभी एक छठ घर से आ रहा हूँ हिकमा में, 1% सफाई की नहीं काम हो रही है। ये हमारा जनता हिंदू समाज को छलने का काम किया जा रहा है और हमेशा छलने की कोशिश किया जा रहा है। जरूरी थोड़ा ना कोई 45 साल राज करे, कोई 20 साल राज करे, हिलाल जीतेंगे तो रिया जीतेंगे तो हिलाल। यहाँ की जनता, हिंदू जनता सिर्फ ये उनको हटाना है, इनको लाना है। अरे हम कब आएंगे, हमारी सोच कब आएगी, हम कब लड़ेंगे अपने समाज के लिए, अपने सम्मान के लिए? हमारी भी लड़ाई है कि हम सबको देख के जिताते हैं। इस बार खुद का नेतृत्व करना होगा और खुद आगे चलना होगा, तभी यहाँ हिंदू जनता का विकास हो सकती है। चाहे रिया जाए हिलाल, इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ चुनावी मुद्दा है। हम जीतेंगे तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि अयोध्या धाम के यहाँ सभी हिंदू जनमानस को ले जाऊँगा। मैं जीतूँगा तो वृद्धा और विधवा आवास बनाऊँगा, जो लोग अपने घरों से छूट जाते हिंदू मुसलमान कोई या करे, उनके 2 टाइम का अनाज दूंगा। और मैं जीतूंगा तो यहाँ 200 दुकान हिंदुओं के लिए दूंगा, ये मेरा वादा नहीं दावा है। यहाँ राजा का रजवाड़ा चला गया, राजा धरंदेई कुंवर का यहाँ रजवाड़ा था, ये लोग राजा की जमीन को अपने कब्जा बना लिए। और आप जाके देखिए जितने बाग बगीचे हैं सब ये कब्जा किए हुए हैं, और हमारा कोई त्यौहार पर्व आता है तो उसमें भी 3 फुट की कब्जा कर लेते हैं लोग। अभी देखिए सम्मे माता का मंदिर, वो कब्जा हो गया है। हम लड़ाई अपनी कब लड़ेंगे? युवा देश की तकरीर है, युवा देश की तस्वीर है,
हिंदू कब तक दूसरे के यहाँ जो है दाल में घी का काम करेगा। हिंदू इस बार जगेगा, आप देखिएगा सबके चेहरे देख लीजिए, ये उदासी नहीं है, ये आने वाले समय का भूकंप है जो यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, आप देखिएगा। अगला आपका मुद्दा क्या रहे? अगला मेरा मुद्दा मैंने साफ कर दिया, हिंदू धर्म के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं भगवे को अपने सर पे बांध के नगर को भगवा बनाऊंगा। जो भी हिंदू समाज का पिछले 70 सालों से काम नहीं हुआ है, मेरी सोच है, मैं उस सोच को पूरा करूंगा। किस तरह बढ़िया से यहाँ पे मंचन हो, किस तरह एक समय था सुभाष चेयरमैन का, वो समय हिंदुओं का गर्व का था, शंकर दयाल का था, राम धनी मुनीब का था। आप देखेंगे बीबीसी लंदन में हमारा कोपागंज का नाम बोला गया था। ये सामने आप देखिए, ये मंदिर भी हम लोगों के जो है एक आस्था का लड़ाई जनता ने लड़के बनवाई है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी अपनी लड़ाई है। हमारी लड़ाई योगी मोदी की तरह है, हमारी लड़ाई मोदी जी के विचारधाराओं और योगी जी के विचारधाराओं से हमारी प्रेरित है।